Good evening, my children. This is Santosh Srivastava before you. मैं दो मिनट पहले हूं ताकि चीजें आप समझ लें और फिर 9 बजे से आप इन्हें फॉलो कर सकें। पहले बता दें, कोई दिक्कत आपको नेटवर्क की या फिर स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम? मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड मेरा, साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड साउंड बिल्कुल साफ है? माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरा सेशन के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो अभी आप समझ जाएंगे। आप प्रिपेयर कर लें, एक कॉपी ले लें और एक पेन ले लें, ताकि आप पहले से अपनी प्रिपरेशन बनाए रखते हो। आप मेरी आवाज साफ आ रही कि नहीं? अब एक बगल में एक शादी है तो वहां पे डीजे वगैरह चल रहा है, मेरी आवाज अगर दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे हेडफोन लगा दूंगा। आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं अभी इसे रख रहा हूं क्योंकि फिर मैं ये आपसे बीच बीच में देखता रहूंगा और आप क्वेश्चंस अपना देख करके आप नोट करिएगा। 15 मिनट आपके पास होंगे, उन 15 मिनट में आपको ये 25 क्वेश्चंस जो सीएचएसएल ईयर 1 के 16th जनवरी सेकंड शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सारे 25 क्वेश्चंस हैं, आपको 15 मिनट्स आपके पास है। ठीक है, मैं इसे बदलता जाऊंगा तो अपने आंसर्स आप देख करके नोट करते जाइएगा। क्लोज टेस्ट में आपको ज्यादा समय दिया जाएगा तो वहां बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट, नोट करते जाइएगा। फिफ्टीन मिनट्स में आपको ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, ध्यान रखिएगा।
सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मेहनत करिएगा। ये लेवल आपके सीएचएसएल में आपको दिया जाता है, इससे देख करके आपका बिलीव बढ़ेगा कि आप कर सकते हैं सब कुछ। स्पीच है आपका, तैयार किया हुआ तो कर लेंगे आप। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड आर इनसेसेंटली, इनसेसेंटली लगातार निरंतर। ये सारी क्वेश्चंस आपको सीएचएसएल टियर 1 2016 के 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चंस आपको दिए गए। कुछ क्वेश्चंस मिस नहीं हो गए, सही एक नंबर गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 20th क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये 13 है और ये 14th नंबर है आपका। The audience are humbly requested to be seated in their seats. यहाँ seated लिखा है, seated means बैठना। ये voice का question है आपका। I shall have written the full thesis by December. देखते ही आना चाहिए आपको। से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मीन्स कोई विचार, कोई सुझाव। एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन थियरी एक्सेट्रा इन क्लियर आर डेफिनेट टर्म्स। कल से 9 बजे मेरे से जुड़ जाए, 9 बजे बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहां तो क्वेश्चन कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती, 9 बजे मैं जुड़ जाऊंगा आपसे। सेंटेंस अरेंजमेंट का दूसरा प्रश्न,
यही लेवल रहेगा सी एच एस एल में, यही लेवल आपको दिया जाएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर वगैरह मेहनत की होगी तो आप कर लेंगे। आप स्पेलिंग टेस्ट है, चार शब्द है, एक इसमें से केवल आपका सही करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है, बाकी तीन शब्दों की स्पेलिंग गलत है। ईडियम है आपका रूल ऑफ थंब। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है आपका, टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द टेम्पल। ये आपका क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन से, ये एक एक क्वेश्चन में पढ़ाता जाऊंगा जिस हिसाब से जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में दिया जाता है वैसे। पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आप इनके आंसर दीजिएगा, फिर मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मैं दूंगा। आपको सी एच एस एल का देते हैं, ये थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर का लेवल है आपका। अगल बगल की आवाजें ना सुनिएगा, यहां ध्यान लगाइएगा। Thank you.
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। डीजे वाले को भी अभी बजना था ना, क्या किया है? फिनिश हो चुके हैं और अब मेरा समय शुरू हो रहा है आपका ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने। जो भी बच्चे अपने नंबर्स यानी ए बी सी डी जो भी आपके ऑप्शंस हैं आपने लिखे हुए हैं वो मैच करते जाइएगा और देखते जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही और कितने आपने गलत किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। This is the first question. Okay. हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम करेंगे, उन्हें डीजे बजाना है वो डीजे बजाएंगे, हम लोग जिंदगी का गीत गाना हम लोग जिंदगी गीत गाएंगे। और ये पहला आपका प्रश्न है मेरे सामने, मेरी आवाज साफ आ रही ना? मेरी आवाज जो है वो साफ आ रही ना? चलिए ठीक देखें। The teacher said it is time that your daughter has learned how to write. जितने भी बच्चे examination की preparation कर रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो MTS का paper हो, हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि कभी भी अगर it is time है, कभी भी अगर it is time है, कभी भी it is high time है, या कभी भी इट इज अबाउट टाइम। क्या क्या है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम है। तो इसके बाद की जो क्लास है वो क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी आपके। ठीक है, वो भी तब जब वो सिंगल क्लास उसके बाद हो। तो ध्यान से देखें, इट इज टाइम के बाद सिंगल क्लास है, योर डॉक्टर हैज लर्न हाउ टू राइट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करेंगे तो जो हैज लर्न है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब आपका कंफ्यूजन है वो सेकंड फॉर्म लर्न होगा या लर्न होगा? सी तो कभी भी नहीं होगा ना, जब भी होगा इन्हीं दो में से होगा। तो आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे जो लर्न है वो एक विद्वान के लिए हम यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है। जो लर्न है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और ये लर्न की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। तो जहां पे हैज लर्न है वहां पे क्या हो जाएगा? लर्न। मैं फिर से दोहराता हूं, रिपीट कर दूं, लर्न इसमें नहीं होगा क्योंकि यह एक विद्वान के लिए हम यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में आपके लर्न होती है, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा पहली बार। दूसरा क्वेश्चन आपका है सेंटेंस फिलर का। फॉर अ मोमेंट आई वाज डेस ब्लाइंडेड बाय द कैमरास ब्राइट फ्लैश, यानी एक क्षण के लिए मैं उस कैमरे की ब्राइट फ्लैश यानी उसकी चमक से मैं क्या हो गया? ब्लाइंडेड हो गया, अंधा हो गया, यानी मुझे कुछ भी एक क्षण के लिए दिखाई नहीं दिया। ऑप्शंस आपके हैं For a moment I was ably blinded होगा, या for a moment I was greatly blinded होगा, या for a moment I was totally blinded होगा, या for a moment I was powerfully blinded होगा। क्या चूज किया आपने? आपने अगर चूज किया ably तो आपने गलत चूज किया, अगर आपने greatly चूज किया है तो भी आपने गलत चूज किया है, अगर आपने पावरफुली चूज किया है तो भी आपने गलत चूज किया है, और अगर आपने टोटली
चूज किया है, सिलेक्ट किया है, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है। यानी यहां पे हो जाएगा फॉर अ मोमेंट आई वाज टोटली ब्लाइंडेड बाय द कैमरास ब्राइट फ्लैश। अब जो किताबों में आंसर्स दिए गए होते हैं उन आंसर्स में ये नहीं दिया जाएगा आपको कि हैपली क्यों नहीं हुआ, ग्रेटली क्यों नहीं हुआ, पावरफुली क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, टोटली क्यों आंसर हो गया। बट मैं आपको बता सकता हूं, एक टीचर आपको समझा सकते हैं कैसे। हैवली वहां प्रयोग करते हैं जहां हेवी का सेंस हो, भारी होने का सेंस हो। क्या ब्लाइंडेड का यहां पे किसी भारी होने का सेंस है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेटली वहां प्रयोग करते हैं जहां साइज में कोई चीज बड़ी हो या महानता वगैरह में बड़ा हो या जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो। क्या यहां उस सेंस में ब्लाइंडेड है? ये तो नेगेटिव सेंस आपका है। पावरफुली वहां पे यूज करते हैं जहां पे कैपेसिटी की बात हो आपकी। क्या यहां किसी कैपेसिटी की बात है, पावरफुली की बात है? टोटली वहां यूज करते हैं जहां पूरी तरह से आपको यूज करना। अगर हिंदी समझेंगे आप तो फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई वाज टोटली ब्लाइंडेड, मैं पूरी तरह से क्या हो गया, ब्लाइंडेड हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाय द कैमरास ब्राइट फ्लैश। किस चीज के द्वारा? उस कैमरे के ब्राइट फ्लैश के द्वारा। यानी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? टोटली। हेवली इसलिए नहीं क्योंकि हेवी से मतलब है, ग्रेटली इसलिए नहीं क्योंकि बड़े से मतलब है, पावरफुल इसलिए नहीं क्योंकि पावर से मतलब है, टोटली इसलिए क्योंकि टोटल से मतलब यानी पूरी तरफ से मतलब है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉमन एरर का क्वेश्चन है और ये आपने कर लिया होगा। एज इट वाज हिज फर्स्ट डेट, चूंकि यह उसका पहला डेट था, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहां पे सही है। अगर आप केवल ड्रेस लेते ही ड्रेस्ड, तो ड्रेस में पहनना भी होता है और ड्रेस में पहनाना भी होता है, ठीक है। अगर ड्रेस में पहनना और पहनाना दोनों होता है तो आप जानते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना होता है, इसलिए यहां आपने हिमसेल्फ लिया, ये सही है। एज, एज यहां चूंकि के सेंस में है, एज इट वाज हिज फर्स्ट डे यहां भी सही है, ही ड्रेस्ड यहां भी सही है, हिमसेल्फ भी सही है, इन बेस्ट सूट ये अधूरा आपको लग रहा है। ये जो बेस्ट सूट है ये कहीं कहीं आपको कह रहा है कि उसने अपना सबसे अच्छा सूट खुद को ड्रेस किया, यानी अपने सबसे अच्छे सूट में उसने खुद को क्या किया, ड्रेस किया, मींस पहनाया। तो या तो आप इन द बेस्ट सूट लें, यहां बेस्ट के पहले द का प्रयोग करें जो कि उससे बेहतर है, या आप यहां इन हिज बेस्ट सूट लें। क्या ले लें? इन हिज बेस्ट सूट। जब मैं किसी बच्चे से कहता हूं कि उसने स्नान किया, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं ही टुक बाथ, ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन है ही टुक हिज बाथ। जब आप कहते हैं उसने भोजन किया तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं ही हैड लंच, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन है ही हैड हिज लंच। सेम प्रोसेस पे आप ऐसे यहां भी करें, आप कि एज इट वाज हिज फर्स्ट डे ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज बोलेगा इन हिज बेस्ट सूट हो जाए। गिनते रहिएगा जितना आपने बेहतर किया, गगन लिख रहे हैं द बेस्ट स्टीप सही हो, द बेस्ट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां ई की बात है इसलिए इसका पॉजिटिव बेहतर होगा, हिज बेस्ट सूट यानी इन हिज, जो उसके पास था कपड़ा उसकी बात हम कर रहे हैं। इन द बेस्ट सूट हो सकता है तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आप कहेंगे इन हिज बेस्ट सूट यानी उसके पास जो कपड़े थे उनमें से उसने सबसे अच्छा सूट सेलेक्ट किया, उसने ड्रेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस फिलर का, यहां भी शब्दों के बीच जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं वो आपकी जानकारी आपके काम आए। द व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट, द व्हीकल्स यानी वो जो गाड़ियां थी इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट, जो उस एक्सीडेंट में शामिल थी यानी उन एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में शामिल होने गाड़ियां जो थी, वर डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वो ट्रैफिक के फ्लो को क्या कर रही थी, इंटरफियर कर रही थी, डिले कर रही थी, स्टॉलिंग कर रही थी या ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रही थी।
क्या करें? कुछ अंदाजा है आपको? अगर किसी बच्चे ने इंटरफेयरिंग लगाया है तो इंटरफेयर क्या होता है? जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में आप बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी इंटरफेयर विद अ वर्क, यानी जब आप किसी के कार्य वगैरह में बाधा डालते हैं वो इंटरफेयर होता है। डिले से तो आप समझ रहे हैं कि कोई मतलब नहीं यहां पे है, डिले मींस देर करना, यहां उससे बेहतर वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फ्लो ऑफ ट्रैफिक को देर करने से कोई मतलब नहीं। स्टार क्या करना होता है? इसके में से एक तरह से बाधा क्रिएट करना होता है। जब आप किसी के कार्य में कोई बाधा डालते हैं तो आप उसे स्टॉल करते हैं, ये आप समझ रहे होंगे, ऑब्स्ट्रक्ट, अवरोध उत्पन्न करना। जब आप किसी ट्रैफिक वगैरह में, ट्रैफिक या ट्रैफिक के फ्लो में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी द व्हीकल्स इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ओके, सचिन यादव लिख रहे हैं कि राजू बहुत तेज आंसर दे रहे हैं। जो भी बच्चे पेपर सॉल्व किए होंगे वो बच्चे जरूर तेज आंसर दे रहे हैं। राजू तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने ज्यादातर बच्चे मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आप निश्चित ही सब पेपर सॉल्व करें और अपने आप को मेजर करें, कहीं कहीं एग्जामिन करें कि क्या आप सक्षम हैं आगे का सीएचएसएल क्वालिफाई करने के लिए, उसके हिसाब से मेहनत करें। और इधर रोज आपके सीएचएसएल के मैं ऐसे स्टेप्स आपको सॉल्व कराता हूं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ग्राइप, कर लेंगे आपने ज्यादातर बच्चे ग्राइप का सिनोनिम। राजू दे रहे हैं टू डी ऑप्शन, यानी टू होल्ड। जैक दे रहे हैं सी ऑप्शन, टू ग्रेस्प। संजय दे रहे हैं डी ऑप्शन, शिबू डी ऑप्शन, और एक बच्चा यहां पे दे रहा है हर्ष, दे रहे हैं ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ये जानें ग्राइप मींस होता क्या है। ग्राइप मींस शिकायत करना, कंप्लेन कर। ठीक है, तो अगर किसी की आप कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन फ्लैटर तो नहीं हो सकता है। फ्लैटर मींस होता है किसी की बेनजर टेस्ट करना, मींस चापलूसी करना, सिकोपैंटिक करना। टू ग्रेस्प क्या होता है? किसी चीज को पकड़ना, उसे समझने के सेंस में भी हम ग्रेस्प का प्रयोग करते हैं, तो शिकायत करने के सेंस में तो नहीं। होल्ड भी वही होता है पकड़ना, तो होल्ड भी यहां पे नहीं है। समझते होंगे अब क्या आंसर हो जाएगा। ग्राइप का सिनोनिम टू ग्रीव, शिकायत करना, किसी से अपना दुख प्रकट करना, इसी ग्रीव से ग्रीवांश बना, याद करें शिकायत होता है, तो टू ग्रीव हो जाएगा ग्राइप का सिनोनिम। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एंटरिम आपको चूज करना एक्स्ट्रा वगेंस का। जल्दी से बताएं क्या आंसर चूज किया था आपने एक्स्ट्रा वगेंस का। एंटरिम राजू सी कह रहे हैं, जय सी कह रहे हैं, सोनू भी सी कह रहे हैं, शिबू भी सी कह रहे हैं, विजय प्रकाश बी कह रहे हैं, विजय प्रकाश बी यानी चीफ कह रहे हैं, हर्ष भी सी कह रहे हैं, संजय सी कह रहे हैं, सोनू यादव सी कह रहे हैं, यानी सारे बच्चे जो हैं सी कह रहे हैं, और जहां बहुमत होता है वहीं पर ही मत होता है, यही ना। तो the select the antonym of extravagance, extravagance means अत्यधिक खर्च होता है। अगर अत्यधिक खर्च है तो expensive तो उसका synonym के रूप में हो जाएगा, कभी नहीं होगा। cheap क्या होता है? सस्ता होता है। पहले ये ध्यान रखें आप, extravagance एक noun है और cheap जो है वो एक, यहां पर एक adjective के sense में use हुआ है, सस्ते के sense में। तो extravagance means अति खर्च, और ये चीप कैसे होगा? चीप तो महंगा अगर होता, यहां पे कोई चीज एक्सपेंसिव होता तो वहां पे आप ले लेते चीप, बट यहां पे नहीं होता। एब्सर्ड का कोई मतलब नहीं, एब्सर्ड मींस होता है निरर्थक। जैसे लाइफ का जो अंत होता है वो हमें सीख देता है कि सब कुछ यहां पे एब्सर्ड है, निरर्थक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंस का एंटोनिम थ्रिफ्ट हो जाएगा। बच्चों को याद होगा जो थ्रिफ्टी होता है, जो इकोनॉमिकल होता है, जो फ्रुगल होता है, जो सेविंग होता है, वो क्या होता है? बचत करने वाला होता है। तो उसी थ्रिफ्टी जो है वो थ्रिफ्ट से बना, थ्रिफ्ट मींस ऑफ बचत होती है। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा वगेंस का एंट्रोनिम हिप अप्रोच है। नेक्स्ट है वर्चुअस। ज्यादातर बच्चों के आंसर्स यहां पर सही होंगे। बोले वर्चुअस का एंट्रोनिम आपने क्या चूज किया? वर्चुअस का एंट्रोनिम आपने क्या चूज किया है? बोले फास्ट। अभी तक दो तीन जवाब आए। विजय कह रहे हैं सी होगा, संजय कह रहे हैं डी होगा, शिबू कह रहे हैं बी होगा, संजय कह रहे हैं ए होगा, सोनू कह रहे हैं बी होगा, राजू कह रहे हैं ए होगा, सोनू फिर से बी पे आ गए, अमृता कह रहे हैं डी होगा, सोनू फिर से बी, श्वेता ए, संजय सी, गुप्ता सिद्धार्थ ए, नीरज पटेल वाई। नीरज ने सीधे आंसर ही दे दिया। गगन मिश्रा भी ए कर रहे हैं, हर्ष भी ए कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही। आप जाकर बच्चे सेलेक्ट द एंट्रोनिम ऑफ वर्चुअस। वर्चुअस क्या होता है? वर्च्यू से बना। वर्च्यू मीन्स क्या होता है? गुण। तो अगर कोई वर्च्यू से वर्चुअस है तो वो गुणवान है, यानी वो कहीं कहीं मॉरली करेक्ट है, वो अच्छा है नैतिक रूप से। वाई क्या होता है? जो मॉरली बैड होता है, यानी जिस व्यक्ति के कैरेक्टर में कमी होती है वो वाई होता है। वैसे कोई भोजन वगैरह कर रहे हैं अगर आप, और वो भोजन बहुत बेकार है, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, वो भोजन भी आपका वाइल्ड ही होगा, ठीक है? तो यहां फिलहाल वर्चुअस का जो एंटोनिम है वो वाइल्ड हो जाएगा। वाइल्ड मीन्स मॉरली बैड, यानी जो नैतिक रूप से बुरा है वो वाइल्ड है, और जो मॉरली गुड है वो वर्चुअस है। सेलिब्रेट क्या होता है? अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड, एक व्यक्ति जो शादीशुदा न हो। लेकिन शादीशुदा जो नहीं हो तो बैचलर भी होता है। फिर सेलिब्रेट और बैचलर में क्या फर्क है? फर्क बैचलर वो होता है जिसने शादी नहीं की है, या जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो भी बैचलर होता है। तो बैचलर वो होता है जिसने शादी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने किसी से रिलेशन नहीं बनाया। जबकि सेलिब्रेट वो होता है जो अनमैरिड तो हो ही, और उसका किसी से किसी प्रकार का कोई फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है, वो सेलिब्रेट होता है, जिसे ब्रह्मचारी हिंदी में कहते हैं। ओके, कोशर क्या होता है? कोशर कई सेंस में ले सकते हैं। यहां जिस सेंस में दिया गया था वो खाना पकाने की एक विधि। जब आप जीवित ला के अनुसार खाना पकाने की विधि निकालते हैं, आप खाना पकाते हैं, वो कोशर होता है। मीन्स एक प्रकार का तरीका। चेस्ट क्या होता है? जो चीज हॉली होता है, पवित्र होता है, सैक्रेड होता है, वो चेस्ट होता है, ठीक है? तो एंटरिंग वर्चुअस का हो जाएगा वाई। ओके, नेस पटेलीग्राम अनैतिक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। जो सही स्पेलिंग है वो हमको चूज करना। इस करेज सही या गलत है, कैबोल्टेड सही या गलत है, इस नेचुरल सही या गलत है, या हिस्पैनिक सही या गलत है। जैक कह रहे हैं डी यहां पे करेक्ट है, हिस्पैनिक। अमन कह रहे हैं सी यहां पर सही, इस नेचुरल। शिपु भी सी, श्वेता भी सी, संजय भी सी, सोनू भी सी, लेकिन अनुपमा फिर से डी पे आ गए। सोनू सी कह रहे हैं। मुझे लगता है बच्चे जो हैं स्पेलिंग में ध्यान नहीं दे रहे। सिद्धार्थ भी सी कह रहे हैं, लेकिन राजू डी कह रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर किसी हेल्प के थ्रू आंसर देंगे तो आपकी आगे प्रॉब्लम्स नहीं। आप अगर खुद को एग्जामिन करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने से आंसर देने होंगे। मैं तो खुद ही आंसर आपको बता रहा हूं, उसे देख लें, और बताने के बाद फिर से आप तैयार करेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। पर आप किसी हेल्प के थ्रू अगर देंगे तो फिर उससे आपकी जो पोटेंशियल वो क्लियर नहीं होगी आपके। चलिए देखें यहां करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करो। इस करीज गलत है यहां, यस सी यू डबल आर वाई होता है इस करी, और उसी का सिंगुलर बनाया गया है आई एस के द्वारा, डबल आर होगा। इस करी क्या होता है? तेज गति से दौड़ना। जब आप क्विक स्टेप्स लेकर चलते हैं, तेजी तेज से तेज चाल चलते हैं, क्विक स्टेप के द्वारा, वो इस करी होता है, ठीक है? कैवर्ट क्या होता है? यहां डबल टी नहीं होगा, सिंगल टी होगा आपका। कैवर्ट जब बहुत अधिक एक्साइटमेंट आपके अंदर हो, तो आप जब जंप करते हैं या कूदते हैं या डांस करते हैं तो वो कैवर्ट होता है, यानी डांस करना या कूदना, ठीक है? यहां सिंगल टी होगा।
स्नेच तो नॉर्मल वर्ड होना चाहिए आपका, एस एन ए टी सी एच होता है, तो स्नेच गलत है, स्नेच समझते होंगे छीनना किसी से कोई चीज, और हिस्पैनिक यहां पे सही है एच आई एस पी एन आई सी। आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो आप चाहे तो एक नया वर्ड बना सकते हैं, हिस्पैनिक, लेकिन ऐसा है नहीं, ये वर्ड एक में ही है हिस्पैनिक। हिस्पैनिक क्या होता है, ध्यान से देखें, हाई स्पैनिक, यानी जो स्पैनिश स्पीकिंग कंट्रीज होते हैं, स्पेशली जो लैटिन अमेरिका के देश होते हैं वो स्पैनिश स्पीकिंग कंट्रीज होते हैं, या फिर कोई स्पैनिश स्पीकिंग व्यक्ति कोई पर्सन होता है वो भी हिस्पैनिक होता है, यानी स्पेन से बना है, यानी स्पैनिश बोलने वाले लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिस्पैनिक, या वो देश जो हिस्पैनिक बोलते हैं, मतलब स्पैनिश भाषा बोलते हैं वो भी हिस्पैनिक कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये सेंटेंस अरेंजमेंट है आपका, ठीक है, मैं चलिए रख दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। अब और अच्छे से देखते हैं, देयर वाज अ सेकंड पार्ट, यानी एक दूसरा हिस्सा था, आर एम्बिवेलेंट अबाउट, क्या देयर वाज अ सेकंड पार्ट के बाद आर आ सकता है, कभी नहीं, आर के बाद वैसे भी आर कभी नहीं आएगा, पार्ट के बाद आर नहीं आएगा। देयर वाज अ सेकंड पार्ट मैनी पीपल, कभी आ सकता है, कभी नहीं, यानी जब भी आएगा आर आएगा, यानी देयर वाज अ सेकंड पार्ट ऑफ, सही ना, देयर वाज अ सेकंड पार्ट ऑफ हर डिसीजन विच, यानी जब भी आएगा आर आएगा। वैसे भी आप देख लें आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही ऑप्शन आपको दिया गया, और यही मैं आपसे कहता हूं वहां पे वो खुद आपको इजी कर रहे हैं, बस आपको समझना। अब अगर आपको आर में कंफ्यूजन है कि आर सही है कि नहीं, तो आर के बाद क्या दिया गया, क्यू दिया गया, ठीक है, तो देयर वाज अ सेकंड पार्ट ऑफ हर डिसीजन विच के बाद मैनी पीपल, अगर मन में आंसर ये क्यों नहीं आ सकता है, कॉमन सेंस ले, यहां पे ऑफर डिसीजन विच, ये विच किसके लिए है, डिसीजन के लिए है, यानी विच क्या है, सिंगुलर है, और अगर विच सिंगुलर है तो फिर आर कैसे आएगा, इसीलिए आर के बाद ही कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन आर क्यू पी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ स्टंपिंग, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर आपने चूज किया, कौन सा आंसर चूज किया आपने, स्टंपी के सिनोनिम के रूप में कौन सा आंसर चूज किया, ए ऑप्शन यानी रेंजिंग, सी ऑप्शन शिबू कह रही है पसे, फोर्थ यानी लॉफ्टी चूज कर रहे हैं संजय, विराट सी चूज कर रहे हैं, सीमेंश पसे, पासी मत समझ लीजिएगा देहात वाला, संजय बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, हर्ष सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, अमृता डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ये अलग अलग ऑप्शन चूज करने की वजह क्या है पता है, क्योंकि आप स्टंपी की मीनिंग नहीं जानते, स्टंपी कौन होता है, वन हु इज थिक एंड शॉर्ट, अ पर्सन हु इज थिक एंड शॉर्ट इज अ स्टंपी, यू विल हैव टू चूज, यू विल हैव टू सेलेक्ट सिनोनिम ऑफ स्टंपी, तो वो रेंज ही नहीं होगा, रेंज मतलब जिससे इसकी रेंज हो, यानी जो बहुत व्यापक हो, बहुत फैला हुआ, बहुत प्रसारित होता है वो रेंजी होता है, वैसे रेंजी एक आवारा व्यक्ति को भी रेंजी कहते हैं जो इधर उधर घूमता रहता है, तो यहां व्यापक का स्टंपी का कोई रिलेशन, लेंथी कौन होता है, जो बहुत दुबला पतला हो, जो बहुत डाइल्यूटेड हो, बहुत थिनी हो, मीन बहुत दुबला पतला हो, स्लेंडर हो, वो आपका लैंकी होता है, तो लैंकी तो स्टंपी का क्या हो जाएगा, एंटरिंग हो जाएगा। पजी क्या होता है, जो थिक और शार्ट होता है, यानी जो ड्वार्फ है, पौना लेकिन गठीला होता है वो पजी होता है, तो सही है ना, स्टंपी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पजी। लाफ्टी क्या होता है, जो चीज बहुत ऊंचा हो, या कोई व्यक्ति जो बहुत घमंडी बहुत अभिमानी होता है वो लाफ्टी होता है, ये लाफ से बना है आपका, तो लाफ्टी ऊंचा, याद होगा आपको
कोलोशल या कोलोशस जो चीज होती वो ऊंची तो होती ही है, बहुत ह्यूज भी होती, चौड़ी भी होती, लेकिन जो लाफ्टी होता है वो सीधा ऐसी ऊंचाई की तरफ जाता है, वो लाफ्टी होता है। तो स्टंपी का सिनोनिम हो जाएगा पजे। रेंजी कौन है? जो आवारा है या जो चीज बहुत विस्तृत है, फैली हुई है, व्यापक है, जिसका रेंज बहुत ज्यादा है, वो रेंजी। लेंथी कौन है? जो बहुत दुबला पतला है, थिन है, स्लेंडर है, स्किनी है, वो लेंथी होता है। पजी कौन होता है? जो थिक और शॉर्ट होता है वो पजी है, यानी स्टंपी, और लाफ्टी जो ऊंचा है। ओके, ये जो एक्सप्लेनेशंस मैं वर्ड्स के देता रहता हूं, ये चीजें आगे आपके धीरे धीरे काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन का क्वेश्चन है। क्या चूज किया आपने इसमें? 11th क्वेश्चन में आपने कौन सा चूज किया? ज्यादातर बच्चे बी कह रहे हैं, शायद अभी तक जितने भी बच्चे हैं वो सब बी कह रहे हैं, सारे बच्चे बी कह रहे हैं, यानी सभी बच्चों का नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पोर्शन करीब करीब क्लियर है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक सारे जवाब बी आ रहे हैं, सारे जवाब बी आ रहे हैं। नीरज हो, विजय हो, अमन हो, अनुपमा हो, अन्नपूर्णा है सॉरी, या फिर आल वीडियो चैनल हो, नीरज हो, सूरज हो, सेपो हो, सारे बच्चे बी कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा संजय जो है वो बी नहीं लेना चाहते हैं, डी लेना चाहते हैं। अभी तक अकेले संजय है जो डी लेना चाह रहे हैं, सारे बच्चे डी ले रहे हैं, सारे बच्चे, फिर संजय क्यों अलग हो रहे हैं? चलिए देखते हैं। द पुलिसमैन सेड, पुलिस वाले ने कहा, आई सा अ नाइफ। देखिए कुछ ये बहुत इजी सी जो से, तो वैसे भी इंग्लिश के मामले में बहुत कठिन नहीं होता। आई सा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, तो जस्ट एक गैप करके आगे बढ़ जाए आप पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? यही बताया मैंने कि अगर पास्ट का टेंस आपका है तो ओटीसी यूज कर लें, वन टेंस गैप। तो अगर इंडेफिनिट है तो हर हाल में परफेक्ट में जाएंगे आप, तो आई हैड सीन अ नाइफ हो गया, प्रोनाउन बदलेगा आपका, और हियर का देयर हो जाए, ठीक है? यानी हैड प्लस सीन आपका क्लू है और देयर क्लू। द पुलिसमैन एक्सप्लेन्ड, पढ़िए ना, दिस इज असर्टिव सेंटेंस, एंड इफ इट इज असर्टिव सेंटेंस हाउ कैन यू यूज एक्सप्लेन, इट मींस इट इज एलिमिनेटेड, इसे हटा देना। द पुलिसमैन सेड, सही है, दैट सही है, ही भी सही है, याद करें आई को द पुलिसमैन को देखें ही हो जाएगा, हेड सही है, सीन सही है, और नाइफ है आपका, और देयर भी सही है, यानी बेस्ट ऑप्शन अभी तो बी है, ठीक है? सी देखते हैं। द पुलिसमैन सेड ही हैड सीन, सही है, अगर ये दैट नहीं तो भी सही है, ही हैड सीन अ नाइफ, बट हियर, यहां हियर है, गलत है। द पुलिसमैन टोल्ड, यही पे गलत हो गया, क्योंकि यहां कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं आपका, और भी देख लें। द पुलिसमैन टोल्ड He had seen a knife there. ये सही है, बस इस told की वजह से गलत है। Without object, you can never take told. Because what is the difference between say and tell? Say क्या होता है? जब आप कहते हैं, और tell क्या होता है? जब आप किसी को inform करते हैं, उसे बताते हैं। तो क्या पुलिस वाले ने किसी को inform किया? नहीं, कोई object नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन क्या है आपका बेस्ट है। तो संजय समय शायरी कहना चाहूंगा, शायद ये उन्होंने चूज किया था, लेकिन ये टोल्ड की वजह से नहीं। अगर ये वाक्य होता द पुलिसमैन टोल्ड मी या टोल्ड देम, तो फिर ये वाक्य क्या होता आपका? बिना दैट के भी सही माना जा सकता था, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन यही होता, क्योंकि यहां दैट लिया गया, ठीक है? यानी आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है idioms एंड phrases, और सारे बच्चे जो है नीरज लेके मान सकते हैं ना सर, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नीरज, तो फिर आप बेटर क्यों लेना चाहेंगे? इस दुनिया में सब लोग बेस्ट चूज करना चाहते हैं, कोई भी बेटर नहीं चूज करना चाहता। ध्यान रखिएगा, कोई भी बेटर नहीं चूज करना चाहता, हर कोई बेस्ट चूज करना चाहता।
चलिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्या चूज किया आपने? इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स, यू हैव टू विन मेनी वॉर्स टू बिल्ड एन एम्पायर, एक साम्राज्य बनाने के लिए आपको कई सारी लड़ाइयां, कई सारे युद्ध जीतने पड़ते हैं। अ टास्क डन हरीडली फेल्स कंप्लीटली, यदि आप कोई कार्य जल्दीबाजी में करते हैं तो वो फेल हो जाता है। आपने दो idioms सुने होंगे, हरी स्पॉइल्स करी या हेस्ट मेक्स वेस्ट, दोनों में होता है जल्दी का काम, आगे आप जानते हैं। तो यहां तो मैंने ऐसा दिया नहीं। बिल्डिंग एनीथिंग वर्क वाइल रिक्वायर्स स्किल, यानी यदि आप कोई भी योग्य चीज, कोई अच्छी चीज, कीमती चीज बनाते हैं तो इसके लिए आपके स्किल, आपके कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जाने कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्या होता है कि कोई भी बड़ा काम अगर आपको करना है तो निश्चित उसमें क्या देना होगा, समय देना होगा। और मैं भी हर बच्चे से यही कहता हूं, जो बच्चे अपने टीचर को जादूगर समझते हैं, मैजिशियन समझते हैं, वो गलत फहमी में। If you want to be successful in your life, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, you will have to give your time. तो क्या देना होगा आपको? समय देना होगा। Because Rome cannot be built in a day. क्योंकि रोम का निर्माण आप एक दिन नहीं कर सकते, बहुत दिन में। तो सफलता रूपी जो रोम है उसको निर्माण करने के लिए बहुत अधिक समय देना होगा आपको। तो it takes time to create great things. यानी बड़ी चीजें, महान चीजों का निर्माण करने के लिए It takes time. क्या लगता है? समय लगता है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ओके। चलिए जाकर बच्चों के आंसर्स ए ही है। हथेली पर दही नहीं जमता, विजय लिखे हैं, हिंदी देख ले रहे हैं पूरा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड आर इनसेसेंट, जब आप बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं या लगातार परिश्रम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, जॉब कहलाता है, क्राफ्ट कहलाता है, एक्टिविटी कहलाती है या ट्रायल कहलाता है? अभी तक सभी बच्चे जो हैं वो डी ऑप्शन दे रहे हैं। गगन लिख रहे हैं, वी कैन नॉट क्रैक सीजियर इन वन मंथ विदाउट हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क करके भी बाबू एक मंथ में तो नहीं सीजन क्वालिफाई किया जा सकता है, और समय लगेगा। हाँ, आपने पहले से अगर बहुत मेहनत किया हुआ है तो एक महीना लगातार अच्छी मेहनत करें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। आई एग्री विद यू गगन। सारे बच्चे डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। सोनू लिख रहे हैं, सर आप जितना मेहनत करते हैं उतना कोई टीचर नहीं करता, मेरे से बहुत अधिक मेहनत करने वाले टीचर से दुनिया में क्या, यहीं पर आसपास में ही बहुत सारे लोग पड़े हैं। सबकी अपनी क्वालिटी, सबका अपना नेचर होता है। चलिए, सब बच्चों ने यहां पे सही जवाब दिया, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, क्योंकि वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेसेंटली मींस होता है ट्रायल, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, आप कहते हैं ना दिस इज ट्रायल। जॉब क्या होता है? जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम के बदले में आपको पैसे दे जाते हो, आप पेड होते हो, वो आपकी जॉब होती है, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी क्रियाशीलता, आप कोई कार्य कर रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी है, वैसे नॉर्मल वर्ड है, यहां ही नहीं हो सकता। क्राफ्ट का यहां कोई भी मतलब नहीं। क्राफ्ट दो होते हैं, एक क्राफ्ट होता है हस्तकला, इफ यू आर मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, यदि आप अपने हाथ से किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो आपका क्राफ्ट है। लेकिन एक और वर्ड होता है क्राफ्ट, मीन्स चालाकी होती है, और इस क्राफ्ट से क्राफ्टी बना है, जो चालाक या धूर्त होता है वो क्राफ्टी होता है, वो श्यूर होता है, वो क्लेवर होता है, वो कनिंग होता है, वो आर्टफुल होता है, यानी चालाक। तो यह क्राफ्ट हस्तकला के रूप में। और ट्राई क्या होता है? हार्ड वर्क डन बाय यू, यानी जो आप कठिन परिश्रम करते हैं वह ट्रायल आपका है, बिल्कुल देख रहेंगे। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड आर इंसिस्टेंट में लगातार, तो ट्रायल भी बेस्ट ऑप्शन है आपका। बच्चे लिख रहे हैं ट्रायल ही होगा, बिल्कुल ट्रायल ही आपका आंसर भी। ये फिर से आपका कॉमन एरर आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा 14th नंबर है, दिस नॉट 20th। The audience are humbly requested
टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर आप चूज कर रहे हैं इसमें। जय कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा। सर जय को हम्बली रिक्वेस्टेड से कॉलम होगा। राजू कह रहे हैं डी होगा। अमन बी, से को बी, और हर्ष कह रहे हैं नो एरर होगा। संजय कह रहे हैं इस हो जाएगा। निरंजन कह रहे हैं बी में है। गुप्ता सिद्धार्थ सी में है। निरंजन बी 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 14th बी। यानी ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हम्बली रिक्वेस्टेड गलत होता है। पहले आप जान लें हम्बली रिक्वेस्टेड सही होता है, काइंडली रिक्वेस्टेड गलत होता है। हम्बली सही यहां पे है, और जो हम्बल कह रहे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट होते, या रिक्वेस्टेड है आपकी वर्ब तो आपको एडवर्ब चाहिए, और ये पैसिव वॉइस है तो ये पहले आ गया, हम्बली रिक्वेस्टेड सही है। जिन बच्चों को लगा यहां आर होगा वो बच्चे समझे, अगर यहां आर होगा तो फिर इस बात में दो दो एरर हो जाएगी। अगर यहां पे इज लिया उन्होंने आर के बजाय, तो फिर यहां पे देयर के बजाय इट्स लेना होगा। देखिए वाक्य में दो दो एरर तो नहीं देंगे वो। तो द ऑडियंस आर सही है। हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड पैसिव है ना, टू बी सीटेड सही है। और इन देयर भी सही होगा क्योंकि देयर जो है वो ऑडियंस के लिए है, और ऑडियंस यहां पे आर ले रहे हैं तो देयर सही होगा। अगर किसी बच्चे के मन में, स्पेशली संजय के मन में आ रहा है कि सर आर कैसे हो जाएगा ऑडियंस के साथ, तो आप जानते हैं ऑडियंस यहां कलेक्टिव नाउन के रूप में, कलेक्टिव नाउन यदि एक कलेक्शन के रूप में यूज हो रहा है, कलेक्टिव नाउन के रूप में हो रहा है तो सिंगुलर लेता है, लेकिन जब वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मींस अलग अलग, तो अलग अलग ऑडियंस से कहा गया होगा ना कि सबको एक साथ कहा गया, ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग ऑडियंस से कहा गया। जब अलग अलग से कहा गया तो ऑडियंस यहां पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ, और जब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ तो कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो कमिटी हो, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो क्राउड हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ये सारे जितने कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं। कब? जब उनका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में, यानी अलग अलग। आपको वर्ड याद है ना ज्यूरी वाला, अगर ज्यूरी एक मत होते हैं तो आप क्या लेते हैं सिंगुलर, और जब वो अलग अलग मत रखते हैं तो क्या लेते हैं प्लूरल। तो ये अलग अलग ऑडियंस को कहा गया, सब अलग अलग थे, कोई भी वहां एक मत नहीं था, सत्ता नहीं वहां पे। तो इफ यू आर टेकिंग द ऑडियंस आर, तो इट इज नेचुरल यू विल हैव टू टेक देयर, इट मींस देयर इज नो एरर, डी पॉइंट हो जाए। ओके बच्चा लिख रहा सर फिर से बता दीजिए। अच्छा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड फिर से बता दें, क्या पूछ रहे हैं बाबू, क्या फिर से बता दें, बोली। अच्छा हम्बली, देखिए अगर यहां पे हम्बली आप लेते मतलब काइंडली लेते तो काइंडली गलत होता है, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता है, बट यू विल हैव टू यूज हम्बली रिक्वेस्टेड। अगर आपके लग रहा है सर हम्बली पहले क्यों आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो वर्ब से कहां आ जाता है, पहले आ जाता है, क्योंकि उसके बाद आपकी फ्रेज दी गई है, इसीलिए हम्बली पहले लगा है, तो सही आपका कोई एरर नहीं है, यानी यहां पे नो एरर हो जाए। चलिए ये तो कर लिया होगा आपने सारे बच्चे करीब करीब। आई शैल हैव रिटन द फुल थीसिस बाय दिसंबर, बोले आई शैल हैव रिटन द फुल थीसिस बाय दिसंबर, क्या लग रहा है क्या सही। राजू लिख रहे बी ऑप्शन। यहां तो बिल्कुल बहुत आसान क्लू है आपका, जिस बच्चे ने मेरे से या किसी भी टीचर से पढ़ा होगा वो बच्चा ही कर लेगा। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा, मैंने वो केवल चार लाइंस आपको दी होंगी, कोई भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, कोई भी कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में रहेगा, और कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी हैज हैव हैड के बाद बीइंग जुड़ जाएगा। ओके आई शैल हैव रिटन, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, किस में जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बाय दिसंबर आई शैल हैव
कभी नहीं होगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन होगा। और यह सब्जेक्ट है द फुल थीसिस विल हैव बीन, है ना, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी सही है और बाय दिसंबर सही। ये बाय दिसंबर का मतलब यहां दिसंबर तक से है, जबकि इस बाय मी का मतलब उसके द्वारा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा द फुल, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था। चलिए 16th है, एक्सप्रेस ऑफ प्रपोजिशन थियरी एक्सेट्रा एंड क्लियर आर डेफिनेट टर्म्स। क्या चूज किया आपने, एक्सप्रेस ऑफ प्रपोजिशन, कोई विचार प्रकट करना, कोई सिद्धांत प्रकट करना, क्या हो जाए, पब्लिश, प्रोक्लेम, पोस्टुलेट या इनंशिएट। सारे बच्चे डी चूज कर रहे हैं, शिपो ए चूज कर रहे हैं, विजय बी चूज कर रहे हैं, जैक डी ओ आर बी चूज कर रहे हैं, सोनू डी चूज कर रहे हैं। देखें, जब आप अपना विचार कोई थियरी प्रकट करते हैं, आप उसे पब्लिश नहीं करते हैं, पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना, आप उसे प्रोक्लेम नहीं करते हैं, आप उसे ऑफिशियली या पब्लिकली घोषित नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, आप उसे पोस्टुलेट नहीं करते हैं, पोस्टुलेट मीन्स क्लेम करना, दावा करना कि कोई चीज सही है, ये पोस्टुलेट करना, आप उसे इनंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, इनंशिएट, इनंशिएट मीन्स किसी चीज को अस्पष्ट रूप से कहना। जब आप किसी लेख वगैरह में किसी चीज को अस्पष्ट रूप से कहते हैं तो आप इनंशिएट कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाए। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आनी चाहिए थी आपको, जेनेटिक्स देखते ही आपको बोलना चाहिए था कि ये नहीं होगा, जेनेटिक्स GENE होता है, जेनेटिक्स समझते होंगे, आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान को हेरिडिटी से संबंधित स्टडी को कहते हैं। स्टीरेस कोई वर्ड नहीं होता, या तो स्टोरेस बनाया या फिर आप इसे स्टीरेस बनाए, एस टी डबल ई होता है, स्टीयर प्लस एस। जो लोग कम पैसे पर कम किराया देते हैं उनके बैठने के लिए किसी शिप में जो स्थान होता है वो स्टीरेस कहलाता है, या शिप को चलाना, उसका परिचालन करना भी क्या होता है, स्टीरेस कहलाता है। गलत है ये भी, ग्रॉसेस्ट ये सही वर्ड है, GROSEST, ग्रॉसेस्ट मीन्स अशिष्ट, जो व्यक्ति बेहुदा होता है, जिसके पास कल्चर नहीं होता है, जिसकी कोई तमीज नहीं होती है, वो व्यक्ति ग्रॉसेस्ट होता है, मीन्स अशिष्ट बेहुदा। ग्रेनाइट आप समझते होंगे, GRANITE होता है, एक ही कोई आवश्यकता नहीं है, तो ग्रेनाइट समझते होंगे वही स्फटिक पत्थर होता है जो बिल्डिंग स्टोन के रूप में काम आता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रूल ऑफ थम, क्या लग रहा है आपको रूल ऑफ थम में, रूल ऑफ थम मीन्स होता है, चलिए जल्दी से बताएं, 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं हमको जल्दी से, 19वें क्वेश्चन का रूल ऑफ थम, इंपॉर्टेंट एडियम है, कई बार एग्जाम में आपको दिया गया, रीमा बोर्ड ने कहा 17 छूट गया है, अच्छा ये छूट गया, देख लें फिर से आप, ही वुड ऑफन, सॉरी देख लीजिए, He would often, अब क्या होगा यहां, क्या चूज किया आप, बोलिए, He would often के बाद कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, नहीं आएगा, He would often के बाद कभी भी he expected नहीं आएगा, नहीं आएगा, He would often के बाद जब भी आएगा predict, predict means evaluate करना, आकलन करना, अपने आप को मापना, तो जब भी आएगा R आएगा, R R P Q यानी जब भी आएगा इसी में से आएगा, तो he would often predict his own life off, his own life off, life off के बाद he कभी नहीं आएगा, अगर he नहीं आएगा तो जब भी आएगा P आएगा, यानी R के बाद P आए, देख ले, यानी C ऑप्शन हो जाएगा, ये आसान है, ऐसे कर सकते हैं आप ट्रिक लगा करके इसको, ये हो गया आपका। और ये 19th क्वेश्चन है रूल ऑफ थम, रूल ऑफ थम क्या होते हैं, कोई ऐसा प्रैक्टिकल वे
कोई ऐसा प्रैक्टिकल वे जो कठोर हो लेकिन उसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपनाया जाता। तो ध्यान से देख लें, अ रफ यूनिट ऑफ मेजर फॉर स्मॉल लेंथ कभी नहीं होगा। अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, है ना, मैंने क्या कहा, कोई प्रैक्टिकल तरीका यानी कोई ऐसा प्रोसीजर जो प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस पर आधारित हो न कि थियरी पर आधारित हो, वो रूल ऑफ थंब होता है, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये टू फोर्स समवन टू वर्क अगेंस्ट हिज विश नहीं होगा, टू यूज योर पावर टू इंश्योर डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करके पावर यूज कर रहे इसलिए नहीं होगा, आपको उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल वे यूज करना होगा। तो रूल ऑफ थंब यानी वो व्यवहारिक तरीका जिसके द्वारा आप किसी को डिसिप्लिन कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल आसान है, आपके लिए आना चाहिए। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द टेंट। ज्यादातर 90% बच्चों के आंसर सही होंगे कि यहां नो इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब आप शूज को उतारने की बात करते हैं तो टेक ऑफ इटसेल्फ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड। ओके, यानी यहां टेक ऑफ में नो इंप्रूवमेंट करें। पुट अभी क्या होता है, किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना, त्याग देना या कंज्यूम कर जाना, मीन्स उपभोग कर लेना, ये पुट अभी होता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कोई एक पैसेज है उसमें से एक अंश आपने निकाल लिया है, वो क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और पुट आप तो बचपन से आप जानते हैं, जब किसी मीटिंग वगैरह को हम कैंसिल कर देते हैं तो हम उसे पुट ऑफ कर देते हैं, मीन्स स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। तो टेक ऑफ ऑलरेडी नो इंप्रूवमेंट हो जाए। और ये वो लास्ट पैसेज है, क्लोजेस्ट पैसेज जो आपके लिए चैलेंजिंग होता है, और मेहनत करें आप इसे। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 पढ़ने से बेहतर है 2016 पढ़े। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट यानी जो वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 के नाम से जाना जा रहा है, वंस अगेन एक बार पुनः डैश इंडिया स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस, वो भारत के पूरी तरह से उस प्रोग्रेस को दिखा रहा है जो क्या रहा है, स्लो रहा, इन कुल मिलाकर के स्लो रहा है। डैश एड्रेसिंग क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, किस चीज से निपटने में, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक मीन्स चिरकालिक, चिर अस्थाई, मीन्स जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। माल न्यूट्रिशन कुपोषण को कहते हैं, यानी चिरकालिक कुपोषण से निपटने में अक्षम रहा है। मैनिफेस्ट इन स्टंटिंग, स्टंटिंग मीन्स लो वेट फॉर एज, यानी मैनिफेस्ट जो प्रकट होता रहा है इन स्टंटिंग यानी लो वेट, यानी वजन क्या होते जाना, कम होते जाना फॉर एज, उम्र के अनुसार। वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट, यानी हाइट के अनुसार वजन कम होता जाना, इसमें अक्षम रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे सूक्ष्म पोषक होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डैश एंड ओवरवेट, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी अक्षम रहा है और ओवरवेट और जो मोटापा बढ़ता जा रहा है उसमें भी अक्षम रहा है। Our track dash in reducing the proportion of unnourished children, मीन हमारा जो track dash हो, reducing the proportion, अनुपात को घटाने में of undernourished children, उन बच्चों का अनुपात जो undernourished है, यानी कुपोषण के शिकार हैं, over the past decade, और वो record कब से, पिछले दशक से, वो record हमारा has been modest at best। अगर हम सबसे ऊपरी तौर पर भी देखें तो रिकॉर्ड हमारा कैसा रहा है, मॉडेस्ट रहा, मीन्स सामान्य रहा। एंड डैश व्हाट अदर कंट्रीज विद कंपेरेबल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव अचीव्ड, और जो हमारे ही सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के देश रहे हैं उन्होंने जो हासिल किया है उनके कंपेरिजन में क्या। चलिए लास्ट सेगमेंट है, देखते हैं। The Global Nutrition Report 2016 once again क्या यूज किया है? Demonstrates, demonstrated that या had demonstrated
अगर ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप समझ रहे हो कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ द पास्ट, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 है वो ये प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शित करती है, यानी द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 वंस अगेन डिमॉन्स्ट्रेट्स, पूछेगा यानी एक बार पुनः ये प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, अगर आपके मन में है कि डेमोंस्ट्रेटेड दैट क्यों नहीं होगा, जब पास्ट ही नहीं तो डेमोंस्ट्रेटेड दैट कैसे होगा, और दैट वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमको क्लास नहीं लिया गया है, यहां पे केवल एक फ्रेज लिया गया है, तो द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 वंस अगेन डेमोंस्ट्रेट्स, एक बार पुनः प्रदर्शित करती है किस चीज को, इंडिया स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस, यानी कुल जो भारत की प्रोग्रेस रही है वो स्लो यानी धीमी रही, उस धीमी रफ्तार को वह रिपोर्ट क्या करती, प्रदर्शित करती, प्रश्न है किस चीज में धीमी रफ्तार को, एड्रेसिंग क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, इन सब चीजों में, अब एड्रेसिंग क्रोनिक माल न्यूट्रिशन यानी जो चिरकालिक कुपोषण रहा है उससे निपटने में कॉमन सेंस रखिए, You progress in that field, यही होता है, You progress तो in that field या in this field, तो demonstrates तो India's slow overall progress in, हो जाएगा, off, far, in और into, देखो, progress in होता है, तो progress in addressing chronic malnutrition, यानी जो चिरकालिक malnutrition रहा है, उसमें असफल रहा है, मैनिफेस्ट इन स्टंटिंग, और किस चीज में, जो एज के आधार पे हमारा लो वेट हो रहा है उसमें असफल रहा है, मींस उसकी प्रोग्रेस धीमी रही है, वेस्टिंग, जो हाइट के आधार पे वो वेट होना चाहिए यानी इसका भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसके आधार पे प्रोग्रेस धीमी रही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो हमारे सूक्ष्म पोषक होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्कार्सिटीज में, लैक में, एब्सेंस में या डेफिशिएंसी, अगर आपने मेहनत किया है तो आप जानते हैं स्कार्सिटी भोजन वगैरह की कमी को कहते हैं, लैक अगर आप अपने साहस वगैरह में कमी होते हैं तो वो लैक होती है, एब्सेंस व्यक्ति की अनुपस्थिति को कहते हैं, और डेफिशिएंसी किसी शारीरिक आंतरिक कमी को कहते हैं, आप याद करें जब कोई चीज आपके अंदर कमी होती है, आयोडीन वगैरह की कमी होती है तो आप क्या लगाते हैं, डेफिशिएंसी, है ना, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ओवरवेट, इन सब से निपटने में हम यानी भारत क्या रहा है, कहीं कहीं की प्रोग्रेस धीमी रही है, रफ्तार कम रही है, आवर ट्रैक डैश, ट्रैक चीख चीख के कह रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं ट्रैक के साथ, आवर ट्रैक प्रोग्रेस या आवर ट्रैक रिकॉर्ड या आवर ट्रैक रिपोर्ट या आवर ट्रैक रिजल्ट, बहुत आसान है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, आवर ट्रैक रिकॉर्ड, आवर ट्रैक रिकॉर्ड इन रिड्यूसिंग द प्रपोजिशन ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन ओवर द पास्ट डिकेड्स, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले दशक का वो हैज बीन मॉडेस्ट एट बेस्ट, वो बहुत सामान्य रहा है, एंड और हम अन्य देशों सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारे अन्य देश रहे कंपैरिजन में उनकी अपेक्षा हम क्या करते रहे, लीड करते रहे हैं, कहीं से आपको लग रहा है कि लीड कर रहे हैं, बताइए, फेल कर रहे हैं, हो सकता है, लैग कर रहे हैं, हो सकता है, फाल्टर कर रहे हैं, नहीं हो सकता है, फाल्टर क्या होता है, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ जाए और आप लड़खड़ा कर चलने लगे तो फाल्टर करते हैं, यहां स्ट्रेंथ वगैरह कमी कोई बात नहीं, दो में से एक होगा, फेल और लैग, तो भारत जो है हमारा देश वो अन्य सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारे देश है उनकी अपेक्षा फेल कर गया या लैग कर गया, लैग मीन्स क्या होता है, पिछड़ना, पीछे रह जाना, आप समझ सकते हैं, फेल नहीं हुआ, हमारी प्रोग्रेस अगर कम हुई है, रफ्तार कम हुई है, हम फेल नहीं हुए हैं, बल्कि थोड़ा सा क्या रह गए हम,
पीछे रह गए, यानी लैग कर गए। ये पेपर आप इंटरनेट पे जा करके या किताबों में आप देख सकते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंजिंग आपका ये क्लोज टेस्ट रहा, बट ये लेवल आपको बनाना होगा। धीरे धीरे मेरे साथ मेहनत करें, रेगुलर मैं जाता हूं, आज थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लिया, बट मैं इसे मैनेज करूंगा। 10 बजे के आसपास तक ही मैं आपके साथ रहूंगा। 1 घंटे नेट आप हमको दें, 1 घंटे 25%, अगर आप अच्छे 25% साल करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। आप निश्चित इसका फायदा ले सकते होंगे। आप आगे आपके पेपर्स हैं उनमें बेहतर करें आप, और कल फिर 9 बजे इसी समय लाइव हम चलें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, थैंक्स आपको। और मैंने भी बहुत मन में डर था मेरे, मेरा एक ऑफिशियली कह सकते हैं ये पहली लाइव क्लास थी मेरी, मुझे डर था कि शायद क्या होगा कैसे होगा, बट ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया, क्योंकि वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves. Okay, so let's meet tomorrow at the same time, same pattern, means CHSL solving second previous year set ke saath. Tab tak ke liye good night. Thank you.